सब्सक्राइब कीजिए वैष्णव गैरी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग तो शायद स्कॉर्पियो हर एक इंडिया के हर एक कोने में देखा होगा, लेकिन ये वाला स्कॉर्पियो शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो ये है स्कॉर्पियो एडवेंचर S10 मॉडल। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 मॉडल और ये इसका ग्रिल, ये है LED DRL और इसमें कॉर्नरिंग लैम्प भी आते हैं और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं और एक हेलोजन हेडलैम्प और ये फॉग लाइट। महिंद्रा की बैजिंग, ये टायर और इसका ब्रेक पैड कलर किया गया है रेड कलर में और इसका टायर साइज है 235/65 R17 और इसमें ब्रिजस्टोन का टायर लगा हुआ है और ये सब एडवेंचर के स्टिकरिंग, स्कॉर्पियो का लोगो। पीछे से गाड़ी कुछ ऐसे दिखता है। एडवेंचर के लोगो। तो आइए पीछे इसका बूट खोल के देखते हैं कितना स्पेस है और कैप्टन सीट के वजह से इसका बैग का बूट स्पेस बहुत ही कम हो गया है, ऑलमोस्ट नहीं है। और ये खोलने के लिए ऑयल का, ये खोलने के लिए इसको बंद कर देते हैं। आइए पीछे देखते हैं कितना स्पेस है इसमें। स्पेस तो काफी अच्छा है, नी रूम भी अच्छा है और हेड रूम भी काफी अच्छा है और तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसका कैप्टेंसी ये देख सकते हैं। इसमें भी जाएंगे, रुकिए। तो ये सीट खोल के देखते हैं, यहाँ से पुल करना पड़ेगा, रुकिए। बॉडी वेरी टायरिंग। इसके अंदर जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है और इसका लेग रूम देखिए, ये इसका लेग रूम। कुछ अब तो इसमें बैठ भी नहीं सकते, ये तो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए है। अगर बैठना है तो ऐसे बैठ सकते हैं आप, ऐसे सो सो के जा सकते हैं। और इसके बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही दिकदारी होता है। तो हेलो गाइस, अभी हम चला रहे हैं स्कॉर्पियो S11। तो चलिए चला के देखते हैं कैसे लगते हैं ये गाड़ी। रुकिए, मैं लॉन्च करने वाला है गाड़ी। Wear your seat belts for a safe drive. सीट बेल्ट बहुत ही जरूरी है, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। पिकअप बहुत ही अच्छा है गाड़ी का, कॉन्फिडेंस मिलता है बहुत। और इस गाड़ी का पिकअप बहुत ही अच्छा है और थोड़ा ए पिलर से थोड़ा विंड नॉइस आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही स्मूथ है। स्टीयरिंग भी अच्छा है बहुत।
और हमने देखा एक बम था, कुछ पता ही नहीं चला। बहुत ही स्मूथ है, सस्पेंशन भी अच्छा है। अभी हम 100 किलोमीटर के ऊपर है तो थोड़ा विंड नॉइस आ रहा है। तो बहुत ही स्मूथ है, पिछले वाला जेनरेशन से बहुत ही अच्छा अपग्रेड है ये। ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत ही छोटे गाड़ी के जैसा लगता है चलाने को। हैंडलिंग भी काफी स्मूथ है, थोड़ा बॉडी लोड है, हाई स्पीड में आप टर्न नहीं कर सकते, बॉडी रोल है बहुत। ओवरटेक करना तो इसके लिए एकदम कुछ भी नहीं है, पानी पानी है। और ये जा रहा है हैरियर, एक खराब रास्ता आ गया है तो आप देखिए कितना स्मूथली है जाते हैं। इसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये सब, क्या एकदम लाइक इट्स ए पीस ऑफ केक। ऑफ रोडिंग के लिए तो ये गाड़ी बहुत ही शाइन करता है, इट्स ए पीस ऑफ केक। ये देखिए कुछ पता ही नहीं चलता है। गाड़ी है यार, स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का फैन बेस कुछ अलग ही है। जो लोग स्कॉर्पियो चलाते हैं वो अलग गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर बहुत ही ऊपर है और आपको लगता है कि एकदम रोड का किंग जैसे लगता है इसको चलाने के लिए। इसका गियर बॉक्स भी काफी स्मूथ है, ये देखिए काफी स्मूथ गियर बॉक्स है, एकदम बटर के जैसा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूंगा और कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।